शासकीय भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जुबली हॉल में पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस SDOP शिवेंद्र जोशी ने अनुविभाग के सभी पुलिस अधिकारी, प्रधान आरक्षक, आरक्षक कोटवार की बैठक ली। बैठक में सभी को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र और मत पेटियों की सुरक्षा आदि के विषय में सभी अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित निर्देश दिए, जिनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। क्रिटिकल एरिया में सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर संबंधित मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से उपस्थित होकर निगरानी करने आदि के विषय में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के बाद जोशी ने मीडिया को बताया कि प्रशिक्षण में अनुभाग के चारों थानों के थाना प्रभारी, चुनाव अधिकारी और कोटवार को चुनाव संबंधित विशेष दिशा निर्देश देकर प्रशिक्षित किया है। यह कार्यक्रम लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चला। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शहर में व विधानसभा में चुनाव शांतिपूर्ण किए जाएं। खास तौर पर असामाजिक तत्वों पर हमारी खास नज़र रहेगी। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का कोई उल्लंघन करते पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज ये 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रशिक्षण अनुभाग के सभी थानों के कर्मचारी, अधिकारियों और ग्राम कोटवारों के लिए आयोजित किया गया था। इसमें उनकी जो ड्यूटी अलग अलग मतदान केंद्रों पर, मतगणना स्थलों पर और मतपेटियों की सुरक्षा के लिए लगाई जाएगी और सेक्टरों में लगाई जाएगी, उसके लिए उनको विशेष हिदायतें जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से दी गई हैं उनको ये अवगत कराया गया है। कोई भी परिस्थिति, कोई घटना ऐसी कारित होती है तो उनको क्या प्रोसीजर लेना है, उसके लिए अधिकारियों को कैसे अवगत कराना है, उसके लिए क्या ड्रिल करनी है और जो उनको चुनाव संबंधी जितनी भी प्रचार संबंधी एवं कानूनी कार्रवाई है उनके प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में चारों थानों के सभी अधिकारी, कर्मचारी, थाना प्रभारी उपस्थित थे। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।